الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज की इस नशिश्त में माह सफरुल मुज़फ़र के तहत हम चंद बातें समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझकर उन पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। पहली बात यह है कि माह सफरुल मुज़फ़र, सफ़रुल मुज़फ़र के माना क्या है। अल्लामा इब्ने मंदूर ने लिसानुल अरब के अंदर जिक्र किया कि इसके दो माना है। नंबर एक, सफ़र के माना खाली, यानी माह मुहर्रम के बाद लोग जंग के लिए निकल जाया करते थे, जिनकी वजह से घर खाली हो जाया करता था और पूरा शहर और पूरा गांव लोगों के चले जाने की वजह से खाली हो जाया करता था, इसलिए उसे सफर कहते हैं। और बाज़ ने कहा सफर के माना है जीरो, खाली। जब मुहर्रम का महीना होता तो चोर भी ढंग से हो जाते, लूटमार बंद कर देते, और जैसे मुहर्रम का महीना खत्म हो जाता तो चोर उचक्के लोगों के जमा शुदा पैसे ले लेते और उनकी जमा पूंजी सिफर की शक्ल में बाकी रह जाती, इसलिए इसे सफर कहते हैं। सफर के साथ मुज़फ़्फ़र का लफ्ज लगाया गया, सफरुल मुज़फ़्फ़र, यानी कामयाबी ही वाला महीना। इस महीने के जरिए ही इंसान के अकाइद और उसके ख्यालात और उसके तफक्कुरात की इस्लाह की गई है कि ये कामयाबी वाला महीना है, इसमें नहुसत और इसमें किसी तरह की बदशगुनी ये दुरुस्त नहीं है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्री, काफिरों का ये तरीका था माह मुहर्रम सफर के ताल्लुक से कि वो महीनों में कमी बेशी किया करते थे। ये कमी बेशी उनके लिए बाइस कुफ्र हुआ करती है। कभी वो मुहर्रम को सफर और सफर को कभी मुहर्रम करार देते थे। इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया वला सफरा, कि सफर ताखीर और तकदीम से हुर्मत वाला महीना नहीं हो सकता। सफर की ताखीर और तकदीम से कभी सफर पहले और मुहर्रम बाद में नहीं हो सकता। और अरब लोग माह सफर के दाखिल होने से ये समझते थे कि ये नुजूल आफात और मसाइब वाला महीना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इसलाह फरमाई वला सफरा, कि माह सफर ये आफात और परेशानी और मुसीबतों के उतरने का महीना नहीं है, बल्कि ये महीना भी आम महीनों की तरह है। आफात और मुसीबत और नहुसत तो इंसान के आमाले बद में है, इंसान जो बुरे आमाल कर रहा है ये बुरे आमाल उसके लिए मनहूस है और इसकी नहुसत कयामत के दिन साबित होगी, वरना कोई महीना मनहूस अल्लाह की तरफ से नहीं है।
मुसीबतें और परेशानियां जो आती है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती है वो अल्लाह के हुक्म से आती है, और अल्लाह का हुक्म कब होता है, ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, जब इंसान के आमाल बिगड़ते हैं तो उसके आमाल की नहुसत की वजह से उसके ऊपर मसाइब और परेशानी आती है, ना कि माह सफर की वजह से। तो सफर का महीना ये मनहूस महीना नहीं है। रवाफिज़ शिया लोग मुहर्रम की तरह इस महीने को भी गम और हुज्न का महीना समझते हैं, और इसमें शादी बिया और अच्छे काम करने को मना समझते हैं, कि वो कहते हैं इसमें जो काम किया जाए उस काम में परेशानी परेशानी और मुसीबतें ही मुसीबतें होती है। इसलिए नाज़रीन किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में सराहत कर दी, वला सफरा, सफर तकदीम और ताखीर से हुरमत माला महीना नहीं होता, वला सफरा, सफर के बारे में ये गुमान करने से कि ये नहुसत वाला महीना है, और ये जो अकीदा घड़ लिया गया है ये जमाने जाहिलियत का अकीदा है, ये अकीदा ये गैरों का अकीदा है। मुसलमान को इस बात को समझना चाहिए कि सफर के ताल्लुक से इस तरह का शरीयत में कोई सबूत नहीं है कि सफर नहुसत वाला महीना हो। दूसरी बात यह है कि माह सफर में कोई अमल और कोई खास इबादत मनकूल नहीं है, आम दिनों की तरह आम महीनों की तरह इसकी इबादतें अपने मामूल पर जारी है। जैसे आम महीनों में जो अमल है वैसे इस महीने में अमल है, इसका कोई खास अमल साबित नहीं है। बहुत से लोग नमाजें वगैरह इस महीने में खास कर देते हैं, और इस महीने के आखिरी बूथ को मिठाई वगैरह तकसीम करने को सवाब करार देते हैं, और एक हदीस मौजू से इस्तदलाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बशरनी बिदुखूल बिखुरूज सफर, जो मुझे सफर के निकल जाने की खुशखबरी देगा तो वो शख्स जन्नत में, मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। इस तरह की गैर मोतबर रिवायात से इस्तदलाल करते हुए और इसमें अकायद फासिदा और गलत आमाल करते हैं, शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से इस महीने की फजीलत के लिए एक बात काफी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबाई वतन मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए, हिजरत की आपने, आपका इतना अजीम शान काम और इतनी अजीम शान इबादत जो हक और बातिल के दरमियान फर्क का जरिया बनी, जो इस्लाम की बुलंदी और उसकी उरूज का सबब बनी, ऐसी इबादत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस महीने में अंजाम दी। इससे मालूम चला अगर ये नहुसत वाला महीना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस महीने में हिजरत नहीं करते। तो अल्लाह के नबी ने वला सफरा अपने कौल से भी तरदीद कर दिया कि ये मुसीबत और परेशानी और नहुसत वाला महीना नहीं है, और अपने अमल से भी जाहिर कर दिया हिजरत करके कि ये नहुसत वाला और परेशानी वाला महीना नहीं है। तो चूंकि जमाने जाहिलियत में लोग इसमें तरमीम करते थे और इसको बुरा समझते थे, इसलिए हमें चाहिए कि हम जमाने जाहिलियत से अपने आप को बचाए, इस्लाम के अंदर दाखिल हो। कुरान करीम में फरमाया उदखुलु फिस्सिल्मि काफ्फा, अपने तमाम अक्वाल अफ़आल और अपने तमाम चीज़ों में रहन सहन में दीनी और इस्लामी इबादत और दीनी इस्लामी अमाल को जगह देना चाहिए। तीतर और बटेर की तरह आधा गैर और आधा इस्लाम ये नहीं होना चाहिए, ऐसा इंसान किसी जगह का नहीं रहता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी हकीकत को समझने की तौफीक मरहमत फरमाए।